हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिग बैश लीग 2021 के सेवेंथ मैच के बारे में फ्रेंड्स, जो कि मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच है। और इस मैच को आप 10 दिसंबर दोपहर के 1:45 से देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लीव ऐप पे भारतीय समय अनुसार। और यह मैच मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। इस पिच पर अगर ओडीआई स्टैट्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 146 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 72 टाइम्स फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 73 टाइम्स सेकेंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। और अगर T20 स्टैट्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 12 T20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 5 टाइम्स फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 7 टाइम्स सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। और अगर T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 50 T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 22 टाइम्स फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं और 27 टाइम्स सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आप 160 प्लस देख सकते हैं फ्रेंड्स। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है, टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस मैच की कंफर्म रिपोर्ट एक्यूरेसी के साथ, तो स्क्रीन पे सुमित भाई का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। काम इनका काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, बैक टू बैक सारे मैचेस भी इनके पास जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक BBL के 6 मैचेस हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें 6 के 6 मैचेस मेरे करेक्ट गए हैं। अब अगर मेलबर्न स्टार्स के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 4 मैचेस में हार हुई है, 1 मैच में जीत हुई है। वहीं सिडनी थंडर के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। और अगर प्रीवियस ईयर के हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले 14 टाइम्स मैचेस हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें 8 टाइम्स मेलबर्न स्टार्स की जीत हुई है, 7 टाइम्स सिडनी थंडर की जीत हुई है। और अगर पिछले 5 मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 5 में से 4 बार मेलबर्न स्टार्स की जीत हुई है, 1 बार सिडनी थंडर की जीत हुई है। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मेलबर्न स्टार्स से जोई क्लार्क, पीटर नेवल, निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टराइट, ब्यू वेबस्टर, सैम रेनबर्ड, सैम इलेट, ब्रॉडी कॉच, एडम जैम्पा, सैयद फेरीडाउन, क्लिंट हिंचक्लिफ और टॉम ओ कॉर्नेल, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 मेलबर्न स्टार्स के। अब अगर सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सिडनी थंडर से एलेक्स हेल्स, सैम वाइटमैन, मैथ्यू गिल्क्स, सैम बिलिंग, एलेक्स रॉस, डैनियल सैम्स, बेन कटिंग, नाथन मैकेंड्रू, क्रिस ग्रीन, गुरिंदर संधु, तनवीर सांघा, जेसन सांघा और क्रिस ट्रेमेन, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 सिडनी थंडर के। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे मेलबर्न स्टार्स बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है फ्रेंड्स, 0 पॉइंट्स के साथ 1 मैचेस खेले हैं और उसमें हार हुई है। वहीं सिडनी थंडर्स पॉइंट्स टेबल पे थर्ड पोजीशन पे 4 पॉइंट्स के साथ है, 1 मैच खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग सिडनी थंडर की टीम आगे है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैच विनर बताने से पहले बता दूं कि अगर आप इस मैच की और इसके अलावा और भी किसी मैच की कंफर्म रिपोर्ट चाहते हैं फ्रेंड्स एक्यूरेसी के साथ, तो स्क्रीन पे सुमित भाई का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, काम इनका काफ़ी अच्छा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे कल के इस 7th मैच में भले ही सिडनी थंडर की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे अनुसार मेलबर्न स्टार्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 7th मैच को लेकर, आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।